वैष्णवी हेल्दी फूड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फ्रेश भुट्टे के खिचड़ी बनाऊंगी। इस खिचड़ी को आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। भुट्टे में काफ़ी मात्रा में कैलरीज, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदा करता है। भुट्टा जब सूख जाता है तो इसका आटा भी पिसवाते हैं, दलिया भी बनाते हैं। हमारे गाँव में इसका दलिया बना कर बहुत खाते हैं। कैसे भी खाएं, आजकल भुट्टा सब ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत फ़ायदा करता है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है, चेहरे पर रिंकल नहीं आने देता है, बुढ़ापा रोकता है। तो इसे आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसमें मैं कई तरह की सब्जियाँ मिक्स कर ले रही हूँ, जैसे गाजर, शिमला मिर्च या आपके पास जो भी सब्जियाँ हों जो आपको अच्छी लगें वही सब्जियाँ डाल सकते हैं। ये सब्जियाँ भी काफ़ी पौष्टिक होती हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन्स होते हैं कई तरह के, फाइबर रिच होती हैं। तो जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगे वो डाल लें, और दाल भी डाल देंगे, दाल भी काफ़ी प्रोटीन रिच होती हैं। तो चलते हैं किचन में। आज हम भुट्टे की खिचड़ी बनाएंगे या दलिया, कहीं इसे खिचड़ी बोलते हैं भुट्टे की और कहीं दलिया बोलते हैं। ये फ्रेश भुट्टा है, मैं एक भुट्टा ली हूँ, आपको जितना ज़रूरत हो वो ले लें। थोड़ी सी लौकी, शिमला मिर्च, टमाटर एक और पत्ता गोभी, प्याज और गाजर ले लिए हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सब्जियां ले लें, जो सब्ज़ी आपको पसंद हो वही ले लें, बहुत हेल्दी सब्जियां होती हैं। और इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँगी। तो पहले मैं सब्ज़ी काट के तैयार करूँगी। सब्ज़ी सारी हमारी धुली हुई है। भुट्टे के दाना इस तरह से निकाल लें और मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लें, जैसे दाल होती है दाल की तरह छोटा कर लें। और नहीं तो ताज़ा फ्रेश भुट्टा है, बिल्कुल दूधिया है, नरम है, इसको चाकू से ऐसे निकाल लेंगे ना तो इसे ज़्यादा क्रश भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे निकाल कर तैयार कर ले रही हूँ। सारा भुट्टे का दाना निकाल कर तैयार कर लिए, अब इसे हल्का सा मिक्सी में घुमा लेंगे। इतना ही इसको करना है, इससे ज़्यादा पेस्ट ना करें, नहीं तो दलिया खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से दलिया होनी चाहिए, बहुत अच्छी खिचड़ी बनेगी इसकी, और हेल्दी तो है ही, आप सबको पता है, क्योंकि सब्जियां से भरी है। कुछ खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, चार पांच लौंग, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची। अगर आपको पसंद हो, समय पर उपलब्ध हो तो डाल दें, नहीं तो इसके बगैर भी खिचड़ी बहुत बढ़िया बनेगी। आप चाहें तो अपनी मनपसंद दाल डाल दें, जो दाल आपको पसंद हो, अच्छी लगती हो। अगर न डालना चाहें तो न डालें। ये मूंग दाल है और अरहर दाल, थोड़ी थोड़ी लेकर मैं धोकर आधे घंटे के लिए भिगा दी, अच्छी तरह धोएं, दाल भी प्रोटीन रिच होती हैं। गैस पे कुकर रख दिए, इसमें हम एक चम्मच घी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, देसी घी है। घी गर्म होते इसमें आधा चम्मच राई डाल दें या काली सरसों, आधा चम्मच डाल दिए मैं, चम्मच जीरा डाल देंगे, 10-15 करी पत्ते डाल देंगे, टेस्ट अच्छा आता है। खड़े मसाले डालेंगे, ये बड़ी इलायची है, इसे खोल के डालेंगे, तेज़पत्ता, दालचीनी, दो छोटी इलायची, 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च। थोड़ा सा घी के साथ पकाएंगे इसे हम, ताकि ये मसाले घी के साथ अपना फ्लेवर छोड़ दें, अच्छा टेस्ट आता है। प्याज डाल देंगे, पहले प्याज लाइट ब्राउन कर लेंगे। अब प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें मैं ये बारीक कटी हुई सब्जियां डाल दूंगी, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी, लौकी, आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। इन सब्जियों के साथ एक मिनट इसे भून लेंगे। एक मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरी मिर्च थी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे,
बारीकी से मिला लेंगे। सब्जियां मसालों के साथ पका लेंगे, 2 मिनट भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा टमाटर डालेंगे, इसे भी भूनेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बढ़िया आ रही मसाले के। अब मसाले भून गए हैं अच्छी तरह से। इसमें मैं ये दाल डाल दूंगी जो भिगा के रखी थी, ये तूर दाल है और ये मूंग दाल। साथ में ये फ्रेश भुट्टा डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे सब्जियों के साथ भूनेंगे 2-3 मिनट। ये ताज़े भुट्टे के दलिए देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो हेल्दी कितना होगा आप सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि इसमें काली मिर्च और हरी मिर्च भी डाली हूँ। मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। बहुत अच्छे तरीके से ये भून चुका है। अब मैं इसमें 3 कप पानी डालूंगी। तीन कप पानी हो चुका। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। ये खिचड़ी कितना मोटी पतली आपको खानी है उस हिसाब से पानी डाल लें। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी में इसमें 750 ml डाली हूँ। अब इसको हम बंद कर देंगे। कुकर बंद कर देंगे, 1 सीटी आ जाएगी। उसके बाद गैस का फ्लेम लो करके 7-8 मिनट पकाएंगे और प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, तब कुकर खोलेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। खिचड़ी 7-8 मिनट में पक गई और प्रेशर भी ख़त्म हो गया, ठंडी हो चुकी है। इसे निकाल लेंगे। एक बार इस तरीके से आप मक्के के दलिया या खिचड़ी बनाकर खा लेंगे तो हमेशा बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत टेस्टी है, हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। इस तेज पत्ते को निकाल देंगे, इसका फ्लेवर इस खिचड़ी में आ चुका है और खिचड़ी देखें कितना अच्छी लग रही है। इसमें अगर आप और पानी डालना चाहें तो और पानी डाल लें, और सूखा खाना चाहते हैं तो और सूखा लें। बहुत हेल्दी है। इस खिचड़ी को आप ब्रेकफास्ट या डिनर में ले सकते हैं। बहुत हेल्दी है और हेल्दी के साथ टेस्टी भी है। आप एक बार ज़रूर बनाएं, खाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कितना टेस्टी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी लेटेस्ट रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर ऐसे एक हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।